खबर हनुमानगढ़ के नौहर से, जहां पर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार समेत जिले के करीब 500 राजस्व कर्मी 8 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। जिला मुख्यालय समेत तहसील स्तर पर धरना दे रहे राजस्व कर्मियों की हड़ताल। पूरे जिले में लगभग 10,000 नामांतरण दर्ज नहीं हुए हैं। आम दिनों में जिले में प्रतिदिन 1,200 से 1,500 नामांतरण दर्ज होते हैं। किसानों की केसीसी भी नहीं बन पा रही है। वहीं रहनामा और रहना मुक्ति का रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा खरीफ फसलों को गिरदावरी का काम भी शुरू नहीं किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्रॉप कटिंग भी नहीं की जा रही है। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है। राजस्व सेवा परिषद इस गन्ने पर बैठा है और एक क्या हुआ था कि 2021 जो सरकार से मेरा समझौता हुआ था, लेकिन उसके 2 वर्ष उपरांत भी अभी तक उस वक्त कोई भी किसी प्रकार का आदेश नहीं जारी किया गया है। और इसके अंदर मुख्य मांगों में एक था कि तहसीलदार जो पद है वो नायब तहसीलदार ज्वाइनिंग नहीं देके डायरेक्ट तहसीलदार पद पर दी जाए और वरिष्ठ पटवारी पद जो है उसका विलोपन किया जाए। पटवारी पद जो उसका डे ग्रेड है वो L8 ऐड किया जाए और नायब तहसीलदार 100% जो है वो नीति से भरे जाए। यही मुख्य मांगे ये थी। 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हुए मतलब मांगों के संबंध में, उन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके विरोध में 28 से हम नियमित धरना पर हैं। पूरे राजस्व सेवा परिषद मुख्य मांगे हमारी, एक तो वो है जो नायब तहसीलदार पद की 70% पदोन्नति और 1-3 मतलब यानी पदों का पुनर्गठन, पटवारी पद वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन और नियमित DPC जो रेगुलर DPC हो।